अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के ट्रेंड खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडिया और इजिप्ट यानी मिस्र के तरफ से आ रही है। तो खबर दोस्तों ये है कि लेबर मार्केट जो कुवैत का है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो लेबर वहां पे छोड़ के गया है वो इंडिया से है और मिस्र से है। यानी दोस्तों पूरे, यदि हम लोग 2 साल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा मिस्र के लोग और इंडिया, अब तक इंडिया के लोग जो वर्कर थे वहां पे जो काम करते थे वो कुवैत छोड़कर जा चुके, खास करके लेबर लाइन के लोग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर, जैसे कि क्लीनर वगैरह, डोमेस्टिक वर्कर वगैरह हो गया, ये सब वर्कर दोस्तों काफी ज्यादा अब तक कुवैत से छोड़कर जा चुके हैं। वहीं पे गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि लेबर मार्केट सिस्टम से अब तक वहां पे इंडियन कम्युनिटी से सबसे ज्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें से यदि हम लोग इस साल के क्वार्टर यानी 4 से 5 महीने की बात करें, यानी दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यदि हम लोग बात करें तो करीब करीब 67,809 वर्कर दोस्तों इसमें छोड़कर अब तक जा चुके हैं इंडिया और मिस्र से। वहीं पे सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बात करें दोस्तों, तो डोमेस्टिक वर्कर सिर्फ 17,398 लोग छोड़कर जा चुके हैं अब तक कुवैत से। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग, मतलब कोविड-19 के कारण लोग डर गए थे या फिर उनको काम नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारी वजहें थी जो कुवैत छोड़ के लगातार लोग जा रहे थे। अगली जो खबर साथियों जो आ रही है कुवैत से वो दोस्तों इलीगल लोगों के लिए कैंपेनिंग को लेकर आ रही है। तो साथियों एमओआई की तरफ से जो कैंपेनिंग का जो दौरा है काफी तेज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि जितने भी तरह के लोग वहां पे इलीगल तरीका से रह रहे हैं, चाहे वो इनका इकामा एक्सपायर हो, चाहे वो रेसिडेंस वायलेटर हो, चाहे वो वीजा कहीं और का हो, काम कहीं और जाके कर रहे हो, तो दोस्तों या फिर डोमेस्टिक वर्कर ऐसे हो, काम किसी और घर कुवैती के वीजा के घर में लगा हुआ है, किसी और कुवैती के घर में वो काम किसी और के घर में काम कर रहे हो, ये सभी जो लोग हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं। या फिर यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, यदि आपका काम करने का ड्यूटी आवर खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आप वहां से निकलकर कहीं पर और काम करने चले जाते, जैसे होटल्स वगैरह में, तो दोस्तों वो भी इलीगल के रूप में ही जाना जाएगा। तो इस तरह के सभी लोगों को वहां पे पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को दोस्तों वहां पे डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी काम बिल्कुल भी ना करें ताकि दोस्तों पकड़े जाने के बाद आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा, इलीगल कामों में बिल्कुल भी आप उससे मुत्तला ना हो ताकि कल होकर आपको प्रॉब्लम हो सके। अगली जो अपडेट आ रही साथियों वो है एयर फ्राई सेट टू ड्रॉप। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं जो कि वहां पे हुसैन अल सुनैती, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडरेशन टूरिज्म ट्रैवल ऑफिस के, दोस्तों जो वहां के ट्रैवल ऑफिस, टूरिस्ट ऑफिस के जो हेड है उनका नाम है अल सुलैतेन, उनका कहना है कि दोस्तों जो फ्लाइट की जो टिकटे का जो किराया है वो काफी ज्यादा दोस्तों दिन पर दिन घटता जा रहा है। दोस्तों वहीं पे यदि हम लोग बात करें टिकट किराए के बारे में, यदि आप इंडिया से कुवैत यदि एक महीना पहले आप ट्रेवल कर रहे थे तो 500-600 कुवैती दिनार तक का आपको पेमेंट करना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी टिकट आपको नहीं मिल रहा था। पर दोस्तों उनकी तरफ से बताया गया कि टिकट का किराया जो है वो दोस्तों 130 कुवैती दिनार से 160 कुवैती दिनार हो चुका है। जी हाँ साथियों, टिकट के किराया जो है इंडिया से 130 से 160 कुवैती दिनार के बीच में दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो कि वही किराया दोस्तों 500-600-700-800 तक टिकट किराया जा रहा था। तो दोस्तों ये फायदा हुआ कैसे, जब से डायरेक्ट जो कमर्शियल फ्लाइट को स्टार्ट किया गया इंडिया और कुवैत के बीच में, या फिर इजिप्ट और कुवैत के बीच में, या फिर जो भी देश वगैरह वहां से फ्लाइटें स्टार्ट की गई, इसका वजह दोस्तों यही टिकट के किराया जो घटने का मेन वजह यही है। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।